आज हमने बनाया है हालीम सीड का काढ़ा। ये बहुत फायदेमंद होता है। हालीम में बहुत मात्रा में आयरन पाया जाता है, इससे खून की कमी दूर होती है और इससे जोड़ों के दर्द में भी बहुत फायदा होता है। लेकिन ये सर्दियों में ही लें, गर्मी में ना लें, बहुत गर्म तासीर का होता है ये। एक जन के लिए ये काढ़ा बनाएंगे, इसके लिए हमने ये 1 चम्मच हलीम ले लिया है। इसे आलिव सीड भी कहा जाता है। ये देखिए, ये इस तरह का तिल की तरह होता है देखने में। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, इसे सर्दियों में ही खाना चाहिए। सुबह बनाना हो तो इसे रात को भिगो दे। आधा कप पानी डाल दिया है, इसे सुबह खाली पेट ही खाना चाहिए। ये भीगने के लिए छोड़ दे। हलीम सीड भीग चुका है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से भीग गया है, बिल्कुल फूल गया है ये भीग के। अब एक कूटने वाला में 1 इलायची डालें, इसे कूट ले। कूट के इसका छिलका निकाल ले, छिलका निकाल के हटा दे। 8 से 10 मामरा बादाम, कुछ अखरोट, आप चाहें तो काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिर्फ बादाम और अखरोट ही ले रहे हैं। अब इन्हें कूट ले, इन्हें दरदरा कूट ले। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इस तरह से कूट लिया है। अब एक कढ़ाई में ये हालीम सीड डाल ले। अब इसमें डालेंगे हम ये गुड़, 1 टेबलस्पून गुड़ डाल ले। नॉर्मल गुड़ लिया है हमने। गुड़ को डाल के इसे पकाएं। गैस को धीमी आंच पे कर ले, इसे अच्छी तरह से पकाएं। हालीम सीड के अपने ही बहुत सारे फायदे हैं। इसमें बहुत मात्रा में आयरन पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन की कमी दूर करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ को ये दिया जाता है। इसे बहुत ज्यादा न ले, इस काढ़े को बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये काफी गर्म करता है। साल में एक बार सर्दियों में 3 दिन तक ले, इसके बहुत फायदे हैं। इससे कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सब ठीक होता है। इस तरह से ये काढ़ा बनाएं, इसे अच्छी तरह से पकने दे। एक साइड में हमने दूध गर्म करने चढ़ा दिया है। 1 कप दूध गर्म कर ले और इसे उबाले। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे उबलते हुए। अब इसमें ये कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दे। 1 चम्मच देसी घी, घी हमने घर का बना हुआ ही लिया है। आप चाहें तो बाजार का भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी का इस्तेमाल करें आप। घी और ड्राई फ्रूट डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए अच्छी तरह से पक चुका है। गैस को बंद कर दे और इसे बिल्कुल थोड़ा ठंडा होने दे। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि गर्म में डालेंगे तो दूध फट जाएगा। इसे थोड़ा ठंडा होने दे। अब इसमें ये गर्म दूध डालेंगे। 1 कप दूध डाल दिया है, मिक्स कर ले और इसे गर्मा गर्म पिलाएं। न्यू बॉर्न बेबी की माँ को ये जरूर दे, ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, ये उनको बहुत ही फायदा देगा। आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू।